हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सिंह, डिजिटल कोच, और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के करियर के बारे में। सही सुना है, एक स्टूडेंट जो होता है उसे नहीं पता होता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसे नहीं पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला समय कैसा है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी टेंशन देखी गई है। मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ, जब चीज़ों के बारे में उनसे पूछता हूँ, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, और वो बहुत सारे यूट्यूब्स पे, गूगल्स पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करता रहता है। अपने लोकल के आसपास दोस्तों को भी पूछता रहता है कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो हमने बहुत सारा रिसर्च किया, हमें पता लगा कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में उसका सबसे इम्पोर्टेंस जो होता है वो उसका मेंटर होता है। यानी वो एक ऐसे इंसान उसके साथ में होना चाहिए जो जिससे वो अपनी हर तरह की बात कर सकता है। मैंने यहाँ पे भी देखा है कि एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से भी क्लियर बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी डर लगता है, उनसे अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं उन गलतियों को बताने के लिए भी उनके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, उनके पास कुछ ऐसी वॉकेबिलिटी कह दो या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके पास नहीं होती हैं। उन्हें डर लगता है कि मैंने ये गलती तो कर ली पर मैं अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे कहूँ। तो स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी आप देखते हो कि जब एक बच्चा फेल होता है और उसके पेरेंट्स को पता है ये बच्चा फेल होता है, पर उसके पिताजी उसे मारते नहीं हैं, उसे समझाते हैं बेटा पास होंगे तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। फिर वो धीरे धीरे मेहनत करता है और बच्चा फिर 50-60 नंबर्स लेके आता है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यस मेरे बेटे ने ये एक बदलाव किया है जिससे उसके पास नंबर्स बढ़े हैं। सैम आप सोचो, जब 90% वाला बच्चा होता है, जब कभी वो 90 लेके आता है, उसके जो पेरेंट्स, उसकी जो फैमिलीज होती है वो बोलती है तुम्हें 98 लाना है, तुम्हें 99 लाना है, तुम्हें 100% लाना है। आप सोच सकते हो कि उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है, और जब उस बोझ के ऊपर वो जब काम करता है तो उसके साथ 80 और 85 बन जाते हैं, तो पेरेंट्स खुश नहीं होते, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने 98 नहीं लाया। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, वो भूल गए हैं कि उनके पेरेंट्स के पास, उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी थोप दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ हैं, हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन करते हैं, हम आपके बच्चे को उसका रूट मैप बना के देते हैं। यानी आपके बच्चे को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकता है, क्या ऐसा सीख सकता है जिससे उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी, चाहे PK हो, चाहे 3 Idiots हो, चाहे आप मांझी द माउंटेन्स हैं, MS धोनी है, बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी। इन मूवीज़ का जो बनाने का जो चीज़ें हैं उन सबसे हमें यही एक शिक्षा मिलती है कि अगर डायरेक्शन देने वाला इंसान सही हो ना तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि हम आपके बच्चे को एक समाज में किस तरीके से रहना होता है, किस तरीके से समाज में आगे बढ़ना होता है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। द मारुति इंस्टीट्यूट पाली का एक ऐसा सेंटर्स है, यानी हम ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ों पे डील तो करते हैं, पर आप ये मान लो कि इस सेंटर की वजह से आपके बच्चों में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ सकती हैं, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्विंसिंग करके, उनको बता के कि आपका ये जो काम है ये आप ऐसा पहुंचा सकते हो, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके प्यार की जिम्मेदारी है। हम बातें नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। पिछले 5 सालों में हमने हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदली है, वो हमारा मकसद है, और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज के अंदर भी हमें अपना नाम, अपनी चीज़ें और आपके बच्चे का करियर, इन सबको आगे लेके जाना है। तो एक बार आप विश्वास करें हम पे, एक बार आप उनसे प्यार करें, आप हमारे सेंटर को प्यार दें, और आप ज़रूर आए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है उसे मैं ज़रूर अच्छा करूँगा, मैं उसे ज़रूर बढ़िया करूँगा, और मैं उसे ज़रूर
उस लेवल का इंसान बनाने की कोशिश करूंगा जिसे उसे जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी हार नहीं मानी, मैंने भी आज तक कभी किसी चीज को ये स्वीकार नहीं किया है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। मैं हर दम कोशिश करता हूँ, हर दम लड़ता हूँ, हर दम जीतने की चाहत रखता हूँ और उसे जीत के दिखाने के लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आप भी सीखना शुरू करें, सिखाना शुरू करें अपने बच्चों को, और ज़्यादा बच्चों पे टेंशन ना दें, ज़्यादा उन पे फोर्स ना डालें, बस फोर्स डालें कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।